किसी की शादी हो रही है, बर्बादी हो रही है। सीरियसली भाई रुक जा, कुछ नहीं है इसमें भाई। अरे भी हमने क्यों शादी करी है यार? क्या हुआ तेरा वादा? ऐसा है, निकलो यहाँ। अच्छा निकल रहा, निकल रहा। What is the room number? The room number is 184. 184. Italy. It will be in the corner because sub suites corner mein hote hain. One corner to another corner. We have to adjust because it's a small room. Shut up. It's not a small room. Viva, bahut walk hai yaar. Seriously. Oh God. Chalo, acha hai. बेबा जिम कब जाएंगे हम? शाम को। दिल चाहता है कभी ना छूटे। हाँ ऑलराइट, वेलकम होम, वेलकम बेबा। एक्चुअली बहुत छोटा स्वीट है ये, सीरियसली। बट चलो फॉर अ डे नॉट बैड। इनका स्वीट है, स्वीट इनका सबसे सबसे बड़ा रूम है इनका। बाप रे, इधर ऐसे ही होते हैं बिल्ली। ठीक है काम में आपको कहाँ लिखते हैं? नो बेबा, हाँ मतलब कहीं कहीं। कम ऑन दिल्ली, यू हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स बिकॉज़ हमारे पास ऑप्शन नहीं मिला यहाँ आसपास होटल। कल वाला होटल बहुत ही फार एयरपोर्ट के पास। टुमारो या आई हैव टोल्ड एवरीवन हम कल बेटर जगह शिफ्ट हो जाएंगे, बट नॉट बैड। ओके गाइस, किसी की शादी हो रही है, बर्बादी हो रही है। सीरियसली भाई रुक जा, कुछ नहीं है इसमें भाई, चला जा वापस। अब बोल दो चला जा वापस, मैं अपनी भाई वापस, मैं अपनी बीबी को भेज रहा हूँ ज्ञान देने के लिए। तू जिंदगी भर कलपता रहेगा। अरे अरे रुको, मैं आ रही हूँ ज्ञान देने के लिए, मैं बताऊंगी शादी मत करना। ये देखिए वहाँ शादी का अरेंजमेंट हो रहा है गाइस। बेचारी दुल्हन, क्या होगा उसका लाइफ में। अब वो आखिरी बार रोएगी क्योंकि उसके बाद उसकी लाइफ। बेटा बेबा ऐसे नहीं, कूद जा, कूद के बताओ यहाँ पे, उनको लगेगा ना कि हाँ भाई यार जिंदगी में मेरी भी शादी करके हाल कितना गंदा हो रहा है। अब देखना डेकोरेशन करके कितना अच्छा करते, कितना गंद मचाया हुआ है उन्होंने, है ना। यहाँ पे सामान रखा हुआ है ना, यहाँ से उठा उठा के लगाएंगे। कितना ज्यादा मेस किया हुआ है यार, और डेकोर जब करते हैं वहाँ कितना सुंदर लगता है सब। आई थिंक अरेंजमेंट रात को लाइटों का, हाँ नीचे अंदर हो रहा है। कितनी मेहनत जाती है ना डेकोरेशन में। बस ये डेकोरेशन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बाद तुम्हारी कब्र में फूल होते हैं। तबाही, तबाही। इसके बाद तो तबाही है। वो कहते हैं जी लो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल है, इसको हसीन देख लो। हाँ यार, है ना, सच्ची में यार जिंदगी खत्म हो जाती है शादी के बाद। अरे बेबी हमने क्यों शादी करी है यार, क्यों शादी की है। एक तुम्हें देख मिनट दिखाओ, एक एक पीछे का तो देख रहे हैं। शादी क्यों कर ली हमने, हमने दोस्ती अच्छे रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हो गई हूँ तैयार, आप देख सकते हैं आई एम रेडी ऑल सेट फॉर द जिम। और ये जो दिख रहा है आपको, ये लड्डू का फैट है। ये जो लड्डू मम्मा ने चंडीगढ़ से भिजवाए हैं प्रिंस के हाथों, वो मैंने खाना शुरू कर दिया, उसका असर आना शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वस्थ अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए आपको खाने चाहिए अच्छे खासे लड्डू, जिन्हें हम कहते हैं पिन्नी, जो बनाए जाते हैं माँ के हाथों से। और मम्मा थैंक यू सो मच, मैंने शुरू कर दिया है अच्छा खासा फैट पुट ऑन करना, जो है हेल्दी मेरे लिए। और इसी बात पे मैं जा रही हूँ अब जिम। थैंक यू मम्मा, लव यू। एक इस इंसान को देखिए जो बिस्तर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेबा बेबा प्लीज़ ऐसा मत करो बेबा, ये काम करो, ये बेड ना आप चंडीगढ़ ले जाओ, वहीं रहते ना आप ज़्यादातर, या तो आप चंडीगढ़ में रहते हो या फिर इधर ही सिर्फ सोए जा रहे हो। यार बेबा जिम भी चलना है, प्लीज़ गेट अप यार, जिम चलना है। चलो देखो, मैंने आपको अच्छी सी चाय वाय आपको सब गर्मा गर्म चाय, मॉर्निंग टी भी मैंने पिलाई। लास्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स आपकी बेबा ख़त्म हो रही है। पिछले 4 घंटे से मैं यही किए जा रही हूँ। फाइनली मैंने अपने हाथ में कैमरा उठाया, ऐसा मत करो, उठो
उठो बेबा उठो यार उठो, जिम जाना है। देखो मेरा कमिटमेंट देखो, मैंने आपके साथ लड्डू भी खाए ना, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच। अब जिम तो जाना बनता है ना बेबा, प्लीज चलो यार बेबा, ऐसा मत करो प्लीज मेरे साथ, चलो जिम चलो यार। देखो एक टाइम होता था जब आप मुझे बोलते थे जिम जाने के लिए, जब हम स्कूल जाते थे मम्मी ऐसे उठाती थी। हाँ इतना गुस्सा आता था ना कि मम्मी अच्छा। मत उठाओ बेबा, मम्मी चंडीगढ़ में है ठीक है ना, यहाँ मम्मी नहीं। आप हाँ। तुम उठाती हो हाँ, प्लीज यार मत करो ऐसा, मैं अकेले जिम चली जाऊंगी फिर आपका मुंह बन जाएगा कि अकेले चली गई जिम। बेबी आई एम सो प्राउड ऑफ यू, रियली आई एम रियली बेबी, सच्ची बोल रही हूँ मैं, तेरे को झूठी बोल रहा हूँ। चलो भाई चलो गेट अप, चलो खड़े हो जाओ चलो। हाँ, आ रहा है पांच मिनट, सच्ची में लास्ट फाइव मिनट, अगर नहीं हुआ व्लॉग में दिखा देना, मैं नहीं जा रहा हूँ व्लॉग में। कब मैं पिछले इतने टाइम से बोल रही हूँ, मैंने आपको चाय पिलाई गर्मा गर्म, मैंने कहा चल अभी उठ हो गया, अगर 24 घंटे इंस्टाग्राम पे लगे रहोगे इधर से उधर, ये क्या मिलता है इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में क्या मिलता है मुझे बताओ, स्क्रोल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, मुझे बोलना पड़ता है क्या? देखने वाले को पता नहीं गाली जा रही थी मेरे से। अच्छा रील भेज देते हैं, आप खुद लगे रहते हो। ठीक है चलो चाय पिला दो फिर एक बार, बेबा शाम हो जाएगी यार ऐसे, शाम गुलाबी शहर गुलाबी, आज बहुत कुछ करना है बेबा। हाँ बेबा अभी चलेंगे बस, इसके बाद सीधा जिम जाके, जिम के बाद सीधे दूसरे होटल में शिफ्ट होंगे, वहाँ रख के फिर चलेंगे। चलो चाय पिला दो एक बार, पहले आप तैयार हो उसके पहले चाय पिलाओ। नहीं 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 प्लीज नहीं, ये चाय भी रखी रहती है कम से कम, जब तक चाय ऑलरेडी पानी वाली चाय, वो ऑलरेडी ठंडी होके बिल्कुल ऐसी हो जाती है अच्छा, जैसे पता कितने पुराने जमाने की चाय। चाय पिलाते हो मुझे, एक बार चाय पिला दो मुझे। नहीं मैं तो चाय नहीं पिलाती, मैं तो झूठ बोलती हूँ, मैं तो पागल हूँ है ना, चाय मैं पिलाती हूँ, मेरा बेबी है ना चाय मुझे बोलते। चलो बेबी शुगर लेके आना स्टारबक्स से जाके, दोबारा इतनी दूर जाके दोबारा, मेरी मीठा कम है मेरी कॉफी। वाह चाहते क्या हो अपनी जिंदगी में, चाहते क्या हो, आई लव यू बेबी, नो यू डोंट बाब मी, यू डोंट बाब मी लाइक दिस, गेट अप, आई लव यू बेबी, उठना पड़ेगा अभी बेबी। सो गाइस यहाँ हो गई है चाय रेडी, बेबा कब से ड्राइव कर रही हूँ गाइस, अभी तक सिर्फ वो 50% रेडी हुआ है, कितना मैंने चाय बना के दी है, कैप पहनी है उसने ठीक है ना, बस इतना रेडी हुआ है। चलिए थोड़ा और परेशान करती हूँ उसको, ये वैसे ही इतने वाला आया आपका, ये भी पक्का है पूरा बेबा। वाह रे वाह रे वाह रे वाह, टूरिस्ट मेरे टूरिस्ट गाइस, वो मतलब करके बताना नीचे कमेंट करके कि कैप मेरे पे ज्यादा अच्छी लग रही है, यूपी पे ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे ये बताओ बेबा चलने का इरादा है या नहीं है, क्या हुआ तेरा वादा। हम वैसे भी हम टूरिस्ट, तुम टूरिस्ट हो मैं भी टूरिस्ट हूँ, दो दिन के लिए मिले हैं फिर उसके बाद अपने अपने शहर चले जाएंगे। अभी तो मैं बॉम्बे जा रहा हूँ एक दिन के लिए शूट करने के लिए, दो तीन दिन के लिए। ओ कम ऑन, एटलीस्ट टू डेज, ओ कम ऑन, उनका मामा, यू हैव योर मीटिंग लाइंड अप एंड योर शूट, एग्जैक्टली चले। जब आप रेडी हो गए ना आई एम टेलिंग यू मेरी हिम्मत खत्म हो जाएगी तब। Really? अब तो मैंने चाय भी सेकंड टाइम बना के दे दी, अब तो और क्या चाहिए, चाय लोगे मैं उठ जाऊंगा, देखो मैं उठ गया ना, हाफ उठ गया हूं, अब पीते का पूरा उठ जाऊंगा, दैट्स अ ट्रिक, दैट्स अ ट्रिक, दैट्स अ ट्रिक। खत्म हो गई मेरी एनर्जी अब, यही तो मैं चाहता था। चलो सो जाते हैं फिर दोबारा यार, प्लीज यार चलो। पहले रोक के दिखाओ, दो मिनट रोक के दिखाओ। हो गया चलो, दो मिनट नहीं हुए, दो बार रोक के दिखा दी, दिमाग से मैंने दो मिनट सोचा। हो गया चलो, जो दिमाग से मैंने सोचा मैं चल लिया, चलो ऐसा है, निकलो यहाँ। अच्छा निकल रहा, निकल रहा, ठीक है चलो। सो फाइनली फाइनली मुबारक मुबारक, असी तुसी रेडी हैं, ओ माय गॉड आई जस्ट कॉन्ट बिलीव यू आर रेडी, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, लेकिन फाइनली मिस्टर नरुला इज ऑल्सो रेडी फॉर द जिम। ओ गॉड टू मच हो गया यार, टू मच मोटू, मोटू अभी पतला हो जाएगा, डोंट वरी। देखो मेरा डेडिकेशन हो है ना बेबा, बहुत डेडिकेशन है बेबी, बहुत डेडिकेशन, तेरा मिस भी तेरा डेडिकेशन है। नहीं नॉट मोर देन यू, बट जितना भी है गाइस मोटिवेट अपने आप को करना बहुत जरूरी है।
अगर इस तरह आलस, देखो व्हेन ही वांट्स टू मेक हिज बॉडी तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जब मैं लगी हूँ तब पूरा आलस, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब ये बॉडी बनाता है गाइज, मैं उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। देखो गाइज क्या वो क्या पिला रहे मुझे, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ताकि मैं जिम में एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, बिकॉज मुझे तो ड्रेन कर दिया है ना अभी। ये देखिए अभी कॉफी पी जा रही है, जब से खुद का जिम खोला तब से जिम करना बंद कर दिया है। जब से मैंने जिम खोलना शुरू किया तब की खुद की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, लूजनेस बॉडी में, बट कोई ना, आई विल बाउंस बैक, बाउंस बैक विद वन मोर जिम। अभी गाइस अभी एक और जिम खुल रहा है बाय द वे, सो ये बाउंस बैक काम में ही बाउंस बैक चल रहा है, खुद की बॉडी पे तो आई डाउट है ना। मेरा जब दिमाग फिरता है फिर मैं क्या फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता।